भूमरा जो नगौर डिस्ट्रिक्ट एमपी में है, विष्णु एंड कंकाली टेम्पल जो टिगवा डिस्ट्रिक्ट एमपी में है, पार्वती टेम्पल ऑफ नंचना कुटवा ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट एमपी में है, शिव टेम्पल ऑफ को सतना डिस्ट्रिक्ट एमपी में है, कृष्णा ब्रिक टेम्पल ऑफ भीतरगांव कानपुर यूपी में, लक्ष्मण टेम्पल ऑफ सिरपुर रायपुर एमपी में, विष्णु टेम्पल एंड बड़ा टेम्पल ऑफ एरन एमपी में। आप देख सकते हैं कि इतने जितने भी टेम्पल्स है अभी तक वो टेम्पल्स वैसे है, ये ऑल दीज टेम्पल्स वर मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ता। द आर्ट ऑफ पेंटिंग्स एंड रॉक कट केव्स आर्किटेक्चर ऑल्सो रीच्ड टू द फाइनेस्ट लेवल। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज आर रॉक कट केव्स एट अजंता एलोरा इन महाराष्ट्र एंड बाग इन एमपी। बाग इज अ नेम ऑफ रिवर ऑल्सो, तो बाग रिवर के बैंक पे जो है एक रॉक कट जो है वहां पे केव्स है जहां पे दीवार में एक्सप्रेशन है। द फ्रेस्कोस ऑफ द अजंता केव्स आर द मास्टरपीसेस ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ दिस एज। आप देखिए अजंता में टोटल 30 जो है अजंता में 30 केव्स है एंड मोस्ट ऑफ द केव्स वर मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ता ओनली एंड अजंता टोटली बिलोंग टू बुद्धिस्ट। लेकिन जो एलोरा है एलोरा बिलोंग टू बुद्धिस्ट जैन एंड इवन हिंदुइज्म। 41st time we get image of Vishnu, Shiva and other gods. Among the best specimen of the image of Buddha is a seated Buddha image of Sarnath which depicts the Buddha preaching the Dhamma. हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टाइम में जो है स्टैचू बहुत ही ज्यादा बना था, आइडल वर्शिप बहुत ही लार्ज स्केल पे स्प्रेड हुआ था। इसकी मेन जो वजह है उसका रीजन ये है कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के कारण जो है जिस तरह से ये हिंदुज्म जो है वो डिक्लाइन हो रहा था, तो उनको रिवाइव करने के लिए उनको रोकने के लिए वासुदेव, ध्यान दीजिएगा ये वासुदेव की मैं बात कर रहा हूँ, वासुदेव कांदा नहीं, ये वासुदेव जो अलग थे एक ऋषि थे। तो वासुदेव जो है रिवाइव द हिंदुज्म थ्रू द मेकिंग ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द आइडल्स। मतलब अलग अलग वो देखा कि जिस तरह से महायाना बुद्धिज्म में बुद्धा का पहला इमेज बनाया गया था मथुरा में और उनसे बहुत सारे छोटे कास्ट अट्रैक्ट होकर के बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो रहा था, तो उनको रोकने के लिए देखा कि ये जो एक स्टैचू जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिलीजन। तो उसने सोचा इसलिए इंडिया जो है हिंदू में अलग अलग डीटीज का अलग अलग जो है आइडल्स बनाना स्टार्ट किया और इनसे हिंदुज्म में जो हिंदुज्म में कन्वर्ट करने में वो बहुत ही सपोर्टिव हुआ और फिर से लोग जो है हिंदुज्म में कन्वर्ट होने लगा। इसलिए ये भी एक वजह था बुद्धिज्म के डिक्लाइन होने का। ऑफ द ब्राह्मणिकल इमेजेज परहैप्स द मोस्ट इम्प्रेसिव इज द ग्रेट बोर्ड वराह कार्व्ड इन रिलीफ एट द एंट्रेंस ऑफ अ केव ऑफ उदयगिरी। लिटरेचर सम ऑफ द ओल्ड रिलीजियस बुक वायु पुराण विष्णु पुराण मत्स्य पुराण रामायण महाभारत मनुस्मृति वर री रिटन, इसको फिर से दोबारा लिखा गया है। नारद स्मृति प्रसाद स्मृति व्री स्मृति बृहस्पति स्मृति एंड कात्यायना स्मृति वर रिटन इन दिस पीरियड। द सिक्स फिलोसफीज ऑफ हिंदुइज्म वर कंपाइल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। बाय द एंड ऑफ द लेटर वैदिक एज सिक्स प्रोमिनेंट स्कूल्स ऑफ हिंदू फिलोसफी हैड बीन एस्टैब्लिश्ड। बुद्धिस्ट टेक्स्ट अभिधर्म घोषा बाय दिगन्ना एंड विष्णु मग बाय बुद्धा घोषा वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। द अदर इंपोर्टेंट लिटररी वर्क विच बिलोंग टू दिस पीरियड आर, एक कौन कौन सा बुक था इंपोर्टेंट है, आर्यभट्ट आर्यभट्टियम आर्यभट्ट ने लिखा था, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने लिखा था, ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्म गुप्ता ने लिखा था, पंच सिद्धांत का वराहमिहिरा, बृहद संहिता वराहमिहिरा, मेघदूतम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, कुमार संभव संभव ने लिखा था, ऋतु संहार कालिदास फर्स्ट पोट्री था, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, मालविकाग्नि मित्रम कालिदास फर्स्ट रावण का। ओके, किरत अर्जुनिया भैरवी ने लिखा था, मृच्छत्रिका सुदर्का ने, बुद्ध रक्षसा विशाखादत्त, पंचतंत्र विष्णु शर्मा एंड कामसूत्र वत्सयना। तो आप देख सकते अलग अलग लिटरेरी वर्क भी इस टाइम पीरियड में हुआ। तो वी हैव सीन गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ
अबाउट पोस्ट गुप्ता. तो पोस्ट गुप्ता में एक डायनेस्टी है पुष्यभूति डायनेस्टी, और ये इंपोर्टेंट डायनेस्टी है. तो हम देख लेते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी. After declaration of Gupta period, the territory, the Magad was divided into many parts. आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पार्ट में वो डिवाइड हो गया. आप देख सकते हैं उसमें है गुर्जर, प्रतिहार, पुष्यभूति डायनेस्टी, मुखारी डायनेस्टी, नाला डायनेस्टी, गंगा डायनेस्टी, अलुपा डायनेस्टी, पल्लव, पांड्या, चेरा, चोला. ये सब देख सकते हैं कि डिफरेंस जो है अलग अलग पार्ट में इंडिया बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो गया. उसमें से एक है मुखारी डायनेस्टी. In the second half of the 6th century, Kanyakubja, which we Kannauj bolte hai, rose to the prominence at the capital of the Bukhari. The first three kings of this dynasty were given the simple title Maharaj. The fourth king, Ishan Varman, 550 se 560 AD, took the title of Maharaj Viraj. He followed an aggressive expansionist policy. After defeating the Andhra, the Silivas and the Gowda, he came into conflict with the later Guptas of Magad. He was succeeded by Sil Sarvarman, who formally established Mukhari's supremacy in Madhya Desha, now the Madhya Pradesh. The next famous ruler of this dynasty was Grahavarman, who married Rajasri of the Pushyabhuti family of Thaneshwar. देखिए राज पुष्यभूति डायनेस्टी का फाउंडर का नाम था प्रभाकर वर्धन. प्रभाकर वर्धन वाज द फाउंडर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी एंड उनकी एक बेटी थी राजश्री. तो गृहवर्मन का शादी जो है वो राजश्री से करवाया गया था. लेकिन गृहवर्मन जो जो है राज गृहवर्मन वाज द रूलर ऑफ मोखारी, बट गौड़ा डायनेस्टी जो बंगाल का था उनका शासक का नाम था शशांक. तो शशांक अटैक्ड ऑन मोखारी एंड कैप्चर्ड राजश्री. राजश्री को लेकर के वो चला जाता है, और इसके कारण जो राजवर्धन वाज द ब्रदर ऑफ राजश्री हु अटैक्ड ऑन शशांक, बट ही वाज किल्ड बाय शशांक. फिर उनका छोटा भाई होता है हर्षवर्धन. हर्षवर्धन जो है शशांक को मार के अपनी वाइफ अपनी बहन को वापस लाता है. द वीक किंग ऑफ मालवा देवपाल किल्ड गृहवर्मन एंड इम्प्रिजन्ड राजश्री. द किंग ऑफ कन्नौज वॉज कंबाइंड विथ दैट ऑफ थानेश्वर ऑफ हर्षवर्धन. देखिए यहाँ पे जो मालवा का किंग है देवपाल, देवपाल जो है वो गृहवर्मन को मारा था, लेकिन राजश्री को जो है वो कैप्चर किया था लेके भागा था. उसका नाम था शशांक. शशांक और देवपाल दोनों फ्रेंड थे. देवपाल उसको सपोर्ट किया था शशांक को. शशांक वाज रूलर ऑफ गौड़ा डायनेस्टी. वक्तक, द वक्तक्स केम टू कंट्रोल पार्ट्स ऑफ डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया टिल द राइज ऑफ चालुक्य. द फाउंडर ऑफ द ब्राह्मण डायनेस्टी वाज विंध्य शक्ति. द फोर मोस्ट किंग वाज प्रवरसेना वंश हु परफॉर्मड फोर अश्वमेध यज्ञ. इट इज सेड दैट Pravarsena I and Rudrasena I both were defeated by Samudragupta. He was defeated by Rudrasena I, Prithvisena I and Rudrasena II. So as I said you, Rudrasena II married to daughter of Vikramaditya, Prabhadevi Gupta. Prabhadevi Gupta se shaadi kiya tha Rudrasena II ne. Chandragupta II married his daughter Prabhavati to the Vakta ruler King Rudrasena II. Rudrasena II was succeeded by Divakar Sena, Damodar Sena or Pravar Sena, who composed a Prakrit work titled Setu Bandh in glorification of Ram though he was a devotee of Shiva. The Triputa appears to the feudatory of Ahiras at first. देखिए actually ये सब जो kingdom है आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है, आपको लोग इतना पढ़ेगा मत क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन नहीं आता है. फिर भी फर्स्ट रूलर वॉज इंद्रदत्त हु वॉज फॉलोड बाय धारा सेना, व्याघ्र सेना, मध्यम सेना. अनिरुद्धपुरा वॉज द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम. विक्रम सेना वॉज द लास्ट नोन किंग ऑफ दिस डायनेस्टी. रहे द गंगा ऑल्सो कॉल्ड चेत गंगा ऑफ ओडिशा. देयर किंग नरसिंह देव कंस्ट्रक्टर दिस सन टेम्पल एट कोणार्क. ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु मेड द टेंपल ऑफ कोणार्क. तो नरसिंह देव.
basically Konark is a temple of sun, the sun temple of Konark. Okay, their king Anant Varman Ganga built the famous Jagannath temple at Puri, जो अभी पुरी में आप सुने होंगे कुछ दिन पहले जो है पुरी पुरी के लिए एक रैली हुई थी, तो वो पुरी किसे को चना सकता है. केसरी हु यूज्ड टू रूल ओडिशा बिफोर गंगास बिल्ट द लिंगराज टेंपल एट भुवनेश्वर. अधिराज ऑन द डाउनफॉल ऑफ द सातवाहनज द अधिरा ईश्वर सेना एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ इन नॉर्दर्न महाराष्ट्र. ही स्टार्टेड एन एरा इन 249 एडी. It is known as Karachuri Chedi or Ahira era. According to Purans, there were 10 Ahira kings. From the inscription, it seems that Kathika was the family name of Ahira. God of Bengal, Shashanka ruled between 592 to 625 AD. Capital was Karnaswaran. Mana was his son and succeeded him. यही Shashanka है. Shashanka जो है वो राजश्री को लेकर के चला गया था. तो आप देखिए अलग अलग जो है वो ठीक है. ओके नाउ एक डायनेस्टी है पुष्यभूति डायनेस्टी. तो पुष्यभूति डायनेस्टी द फाउंडर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी वाज प्रभाकर वर्धन. एंड प्रभाकर वर्धन की दो बेटे थे, एक का नाम था राजवर्धन जो बड़ा बेटा था, उनके छोटे बेटे का नाम था हर्षवर्धन. एंड उनकी एक बेटी थी राजश्री. तो राजश्री का शादी वो मोखारी किंग गृहवर्मन से कर दिया था. देखिए गृहवर्मन को शशांक जो है वो गृहवर्मन की वजह राजश्री को उठा के लेकर चला जाता है. गृहवर्मन से जब लड़ाई होती है तो शशांक का दोस्त जो फ्रेंड है देवपाल गृहवर्मन को मार देता है. इनके बदले में फिर जो है राजश्री का भाई राजवर्धन हो जाता है, लेकिन राजवर्धन को शशांक से मार देता है. फिर ये बात मालूम पड़ता है हर्षवर्धन को. फिर हर्षवर्धन जो है वो अपने सिस्टर को रेस्क्यू करवाने के लिए बंगाल जाता है. जब बंगाल जाता है तो वहां पर ऐसा बोला जाता है कि वो शशांक को मार देता है और कंटिन्यूसली 2 months तक नॉर्थ इंडिया में जो है वो घूमता रहता है और नॉर्थ इंडिया के ऑलमोस्ट टेरिटरी को पूरा वो कैप्चर कर लेता है. तो ऑलमोस्ट टेरिटरी ऑफ नॉर्थ इंडिया वो कैप्चर्ड हुआ हर्षवर्धन. इवन हर्षवर्धन वॉज नोन एज द लॉर्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया अकॉर्डिंग टू Pulkesin II, क्योंकि Pulkesin II was the greatest ruler of Chalukya in South India. So basically, it is said that he, after conquering of the North India, Harshvardhan जो है वो South India की तरफ बढ़ा. लेकिन on the bank of Narmada River, there was a battle between Pulkesin II, who was the ruler of Chalukya dynasty, and Harshvardhan, who was the ruler of Pushyabhuti dynasty. So, उस बैटल में पुलकेसिन जीत जाता है और हर्षवर्धन हार जाता है. सो रवि कृति वॉज पोएट कोर्ट पोएट ऑफ चालुक्यन रूलर पुलकेसिन टू. तो ही रोट ऑन द होल इंस्क्रिप्शन दैट हर्षवर्धन वॉज द लॉर्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया. इट इज सेड दैट तो हर्षवर्धन वॉज सो पावरफुल नो डाउट. देखिए हर्षवर्धन के टाइम में सेकेंड चाइनीज पिलग्रिम whose name was Hyunsang. Hyunsang came to India during the reign of Harshvardhan. And वो एक बुक लिखा Suyuki, who wrote a book Suyuki in Chinese language, in Hindi इसका मतलब होता है my experience. तो my experience के बारे में उसने लिखा है. तो even he organized, मतलब Hyunsang organized an assembly at Kannauj, जहाँ पे अलग अलग धर्म के स्कॉलर्स को बुलाया गया था. और उसी असेंबली में हर्षवर्धन एक्सेप्टेड बुद्धिज्म. एंड इन प्रयाग प्रस्थी में वो क्या किया, उसके पास जितनी प्रॉपर्टी है वो सारे के सारे प्रॉपर्टी को उसने गरीबों में बांट के वो अपने आप को मंक बना लिया. ही बिकेम अ भिक्षुक, ही बिकेम अ मंक आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ. तो इस तरह से हमारा एंशियंट हिस्ट्री जो है वो फिनिश हो गया है. तो एंशियंट हिस्ट्री हम लोग का कंप्लीट हो गया है. हम लोग का जो टॉपिक था वो टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं. नाउ हम लोग का जो अभी इम्पोर्टेंट जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसमें क्या क्या आएगा मैं आपको एक बार बता दूं. मेडिवल हिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे हम लोग स्लेव डायनेस्टी से. जैसे आप लोग पढ़े भी होंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में. तो बेसिकली
मेडिवल हिस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड मुस्लिम हिस्ट्री, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रूलर जो है वो मुस्लिम थे. एंड मॉडर्न हिस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रिटिश हिस्ट्री. तो मुस्लिम अगर देखा जाए तो इंडिया में मुस्लिम जो है वो 712 AD में ही आ गया है. इंडिया में फर्स्ट टाइम मुस्लिम 712 AD में ही आया है. वैसे मैं बता दूं आपको कि मोहम्मद प्रोफेट फाउंडेड इस्लाम, फाउंडेड मुस्लिम धर्म इस्लाम जो है वो मोहम्मद प्रोफेट ने स्टार्ट किया था. मोहम्मद प्रोफेट का जन्म है वो 571 AD एट काबा विलेज, मक्का प्रोविंस में काबा विलेज के साथ जहाँ पे मोहम्मद प्रोफेट का जन्म हुआ था 571 में. और वो 622 में इस्लाम धर्म का स्थापना करता है. ही फाउंडेड इस्लाम रिलीजन इन 622 AD. ओके, एंड इसके बाद फर्स्ट टाइम जो है जो दाहिर का किंग बुद्धिस्ट और जाट पे बहुत ही अत्याचार कर रहा था, तो उस टाइम में उसने एक मुस्लिम जो ट्रेडर थे उनको इनवाइट किया था इंडिया में. हिज नेम वॉज मीर कासिम वन. तो मीर कासिम वॉज द फर्स्ट मुस्लिम हु केम टू इंडिया. मीर कासिम इंडिया पर अटैक करता है और सिंध के कुछ प्रोविंस पे वो ट्रेडिंग सेंटर बना लेता है. ओके, तो ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम. ये क्वेश्चन आ सकता है, मीर कासिम वॉज द फर्स्ट मुस्लिम हु केम टू इंडिया इन 712 AD. इनके बाद आया था, सुना सुने होंगे आप, मोहम्मद गजनी. मोहम्मद गजनी वॉज द रूलर ऑफ गजनबी इन ईरान, नॉट इन ईरान. उस टाइम वो मोहम्मद गजनी जो है वो इंडिया में आया था. तो उनका मेन पर्पस था मोहम्मद गजनी का कि इंडिया में टू स्प्रेड द इस्लाम एंड टू लूट द प्लंडर द वेल्थ. तो इंडिया में वो जो है वो मंदिर पर अटैक करता था और मंदिरों पे से जो है बहुत सारे वो वेल्थ को चुरा के ले जाता था, लूट के ले जाता था. तो वी कैन से ही वॉज अ प्लंडर, वो एक लुटेरा भी था और साथ साथ जो है ही वॉज अ स्प्रेडर ऑफ इस्लाम. तो उनका मेन मकसद था कि वो इंडिया में जो है वो टेम्पल्स पे अटैक करता था और टेम्पल्स के स्टैचू को भी तोड़ता था. और टेम्पल पे अटैक करने का उनका दो मकसद था, एक तो था कि जो है रिलीजन को ठेस पहुंचाना, दूसरा उनका मेन मकसद था क्योंकि टेम्पल्स में वेल्थ ज्यादा होता था. गुप्ता पीरियड में एक और प्रथा, एक और कस्टम स्टार्ट हुआ था, दैट इज तुलादान. तुलादान का मतलब होता है कि जो एक वेट होता है, वेट के वन साइड पंडित बैठते हैं और अदर साइड जो है लोग उस पे गोल्ड और सिल्वर देते थे तब तक जब तक दोनों का वेट इक्वल ना हो जाए. इट वॉज कॉल्ड तुलादान. तो तुलादान दान के थ्रू जो भी कलेक्शन होता था वेल्थ का वो मंदिर में ही रखता था. इसलिए जितने भी लुटेरा बाहर से आता था, जितने भी बाहर आउटसाइडर आता था वो टेम्पल पर अटैक करता. इवन ऑन 1025 AD में मोहम्मद गजनी अटैक्ड ऑन सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात. सोमनाथ टेम्पल गुजरात में उस पर अटैक किया और उसके नेक्स्ट ईयर 1026 में उसको तोड़ भी दिया. ओके, मंदिर को तोड़ने के लिए उनके ऑफिसर होते थे, उनका नाम था बट शिखर. बट शिखर मीन्स डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैचू इन पर्शियन लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड बट शिखर. एंड उनके इनफॉर्मर अली बाबा एंड 40 thieves, आप सुने होंगे कहानी अली बाबा और 40 चोर, अली बाबा एंड 40 thieves वर द इनफॉर्मर ऑफ मोहम्मद गजनी. वो लोग मोहम्मद गजनी के इनफॉर्मर थे और वो बताते थे कि इंडिया में कौन से मंदिर में कौन कितना वेल्थ छुपा हुआ है. एनीवे, बट मोहम्मद गजनी जो है इंडिया में रूल नहीं किया, वो आया इंडिया को लूटा और लूटने के बाद जो है छोटा सा वो गजनबी प्रोविंस बनाया था, अभी बलूचिस्तान बोल सकते हैं ईरान के पास. बट इसके बाद आता है मोहम्मद घोरी. मोहम्मद घोरी केम टू इंडिया, ही फॉट द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन इन 1191. दैट बैटल वॉज बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी. तो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन, ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन वॉज फॉट बिटवीन होम, तो पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी. अब वो बैटल में पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद घोरी, बट उनके अगले ही साल नेक्स्ट ईयर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी में सेकेंड बैटल ऑफ टेरन होता है और उस तरन बैटल में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है. ओके, तो ये हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे डिटेल्स में. फिर मोहम्मद घोरी डैड इन 1206, 1206 ईस्वी में 1206 में मोहम्मद घोरी का डेथ होता है. एंड आफ्टर दैट मोहम्मद घोरी का एक स्लेव होता है जिसका नाम होता है कुतुब उद्दीन ऐबक. तो कुतुब उद्दीन ऐबक एस्टैब्लिश्ड द स्लेव डायनेस्टी इन 1206 AD.
तो 1206 AD में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है स्लेव डायनेस्टी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मुमालिक डायनेस्टी और गुलाम डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट करता है। इसके बाद ही रूल्ड फॉर 4 ईयर्स ओनली, ही रूल्ड फ्रॉम 1206 टू 1210 एंड 1210 के लास्ट में उनका डेथ हो जाता है। उनका डेथ होता है जब वो गेम खेलता है पोलो गेम दैट इज ऑल्सो कॉल्ड चौगन। तो चौगन जब गेम खेल रहा था तो वो हॉर्स से नीचे गिरा और उनकी डेथ हो जाती है। तो ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन आहराम बख्श, बट आहराम बख्श वॉज डिपोस्ट बाय इल्तुतमिश, शम्स उद्दीन इल्तुतमिश इन द सेम ईयर। एंड शम्स उद्दीन इल्तुतमिश रूल्ड फ्रॉम 1211 टू 1236 एंड 1236 में इल्तुतमिश वॉज सक्सीडेड बाय रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन वॉज डिपोज्ड बाय रजिया सुल्तान इन 1236। इवन रजिया सुल्तान वॉज किल्ड बाय हिज हर ओन ब्रदर, हिज नेम वॉज मुइजुद्दीन बहराम शाह इन 1240। इवन बहराम शाह वॉज डिपोज्ड बाय चालीसा इन 1242। ही वॉज सक्सीडेड बाय मसूद शाह, मसूद शाह वॉज सक्सीडेड बाय नासिर उद्दीन शाह and Nasir Uddin Shah was killed by Ghiyasuddin Balban in 1266. Ghiyasuddin Balban was killed by Jalaluddin Khilji in 1290. And such, you know, Jalaluddin Khilji jo hai wahan pe, sorry, 1286. And he was succeeded by Kaikubad. Kaikubad was killed by Jalaluddin Khilji. And Jalaluddin Khilji established Khilji dynasty in 1290. So 1290 तक जो है हम समझ सकते हैं कि 1206 से 1290 तक का जो time period है that is called slave dynasty. और इसमें बहुत सारे rulers आए, जैसे मैं बताया आपको rulers का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, आहराम बख्श, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन शाह, बलबन एंड कैकुबाद, ये रूलर्स है। नाउ जलालुद्दीन खिलजी एस्टैब्लिश्ड और फाउंडेड खिलजी डायनेस्टी इन 1290। उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी किल्ड जलालुद्दीन खिलजी इन 1296। अलाउद्दीन खिलजी के बाद आता है उनका बेटा का नाम होता है शम्स उद्दीन खिलजी इन 1316। बट इन 1316 द सेम ईयर मुबारक शाह खिलजी किल्ड हिज ब्रदर शम्सुद्दीन एंड बिकेम द रूलर। मुबारक शाह खिलजी वॉज किल्ड बाय खुसरो खान, इवन खुसरो खान वॉज किल्ड बाय घियासुद्दीन तुगलक इन 1320। तो 1320 में घियासुद्दीन तुगलक जो है वो लास्ट रूलर जो मुबारक शाह खिलजी है उनको मार देता है, खुसरो खान जो है उनको मार देता है। देन घियासुद्दीन तुगलक एस्टैब्लिश्ड द तुगलक डायनेस्टी इन 1320। इसके बाद घियासुद्दीन तुगलक के बाद आता है उनका बेटा, उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक रूल फ्रॉम 1325 टू 1351। उसके बाद आता है नासिर उद्दीन फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बाद आता है नासिर उद्दीन तुगलक। नासिर उद्दीन तुगलक के टाइम में ही तिमूर लेन के बारे में सुने होंगे, तिमूर लेन इंडिया पर अटैक करता है और फिर खिजर खान एस्टैब्लिश करता है सैयद डायनेस्टी। खिजर खान के बाद मुबारक शाह खान, इस्लाम खान, इस्लाम खान फाइनली बहलोल लोदी को अपना टेरिटरी दे देता है एंड बहलोल लोदी एस्टैब्लिश लोदी डायनेस्टी इन 1451। देन बहलोल लोदी वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन बरबक शाह लोदी, बरबक शाह लोदी वॉज सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन इब्राहिम लोदी एंड इब्राहिम लोदी वॉज किल्ड बाय बाबर जाहिर जाहिरुद्दीन बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। दैट बैटल वॉज फॉट इन 1526 एट पानीपत इन हरियाणा और बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी को हरा देता है और इस तरह से मुगल एरा स्टार्ट होता है। सो मुगल एरा और मुगल डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय जाहिरुद्दीन बाबर। बाबर के बाद आता है उनका बेटा हुमायूं, नासिरुद्दीन हुमायूं
हुमायूं के बाद आता है उनका लड़का का नाम है अकबर, जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर के बाद उनका बेटा जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह वन, बहादुर शाह वन के बाद जहांदर शाह, जहांदर शाह के बाद फारूक शियार, फारूक शियार के बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, अहमद शाह के बाद आलमगीर टू, आलमगीर टू के बाद शाह आलम टू, शाह आलम टू के बाद अकबर टू, अकबर टू के बाद जफर खान बहादुर शाह टू। ओके, जफर खान बहादुर शाह टू वॉज दी लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। और इस तरह से हम लोग को सेलेब डायनेस्टी से मुगल डायनेस्टी तक का जो टाइम पीरियड है, तो दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड मेडिवल हिस्ट्री। तो मेडिवल हिस्ट्री के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, पढ़ेंगे, तो वो जो है आपको पूरा मुस्लिम एरा ही है, पूरा हम लोग को पढ़ना है। इवन इस पीरियड में जो है बहुत सारे राइटर्स भी आया है, बहुत सारी चीजें लिखे हैं, तो हम लोग जिक्र करेंगे। बट नेक्स्ट लेक्चर जब भी स्टार्ट होगा उसके पहले मैं जो भी कुछ पढ़ा हुआ एंशिएंट हिस्ट्री में से मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, और मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा जो सीटेट के एग्जाम्स में आया हुआ है, या अगर आपके पास प्रीवियस ईयर्स के अगर सीटेट के एग्जाम पेपर है तो आप उसको हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करके देखिए वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। और मेरे ख्याल से मैंने आपको इनफ कंटेंट दे दिया हूँ, तो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर कुछ डाउट्स है आप लोग को तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऐसे आज के लिए तो मैं बहुत कुछ पढ़ा दिया हूँ, बहुत सब बड़ा लेक्चर हुआ है। प्रदीप सर, हेलो जी सर, तो क्या करें और एक्स्ट्रा कंटिन्यू करें, स्टॉप करें, बहुत ज्यादा हो गया है। चलेगा जैसा आपको ठीक लगे। हाँ, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री फिनिश हो गया है। यस बोलिए सर, मुझे डाउट था गुप्ता डायनेस्टी में। सर आपने मतलब इकोनॉमी के स्लाइड में बताया है कि सिल्वर कॉइन्स थे लेकिन फिर भी वो लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे, क्यों सर? ओके, सिल्वर कॉइन्स उतना ज्यादा नहीं था, उतने लार्ज स्केल पे नहीं था कि लोकल एक्सचेंजिंग के लिए वो सफिशियंट हो, तो फिर भी बार्टर सिस्टम तो हमारे यहाँ पे अभी भी चलता है। गाँव में आप जाएंगे ना तो बार्टर सिस्टम अभी भी चलता है, तो उसके लिए। लेकिन सिल्वर कॉइन्स जो है बाद में लॉन्च हुआ था। मैं आपको पहले बताया कि सिल्वर कॉइन्स लॉन्च कब हुआ था, जब वक्तक जो है ना, वक्तक डायनेस्टी को कैप्चर किया था, उसके बाद जो है वो चंद्रगुप्त टू ने लॉन्च किया। उससे पहले सिल्वर कॉइन्स था ही नहीं, तो उस बीच उसमें क्या था, बार्टर सिस्टम ही फॉलो करते थे, और इवन उसके बाद भी बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे लोकल एक्सचेंज के लिए। अब जहां पे बार्टर सिस्टम नहीं चल सकता था वहां पे सिल्वर कॉइन्स लोग यूज करते थे। हेलो सर, और एक चीज आपने लिटरेचर में बताया सर कि मैन्युस्क्रिप्ट्स सब फिर से लिखा था उन्होंने, रीरिटन हुआ था सर, क्यों सर? हाँ, इसका रीजन है कि इसके पहले जितने भी स्क्रिप्चर्स थे वो सारे स्क्रिप्चर्स जो है वो दो बेसिस पे था, एक था श्रुति, दूसरा स्मृति। श्रुति का मतलब होता है कि वो सोर्सेस जहां से सुन के या देख के कर सकते हैं, स्मृति मीन्स जो मेमोराइज करके उसको याद रखते थे। तो पहले जो ऐसे आपका रामायण और महाभारत है वो प्रॉपर लिखा हुआ नहीं था, तो वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो मेमोराइज करके बताते। जैसे एग्जांपल के लिए कि मैं, मेरे पास जो नॉलेज है रामायण के बारे में वो मैं अपने बच्चों को बताऊंगा, मेरे बच्चे फिर उनके बच्चों को बताएंगे, तो ऐसे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता था। लेकिन इस टाइम में जो है पेपर आ गया था, समझे आप, पेपर जो प्रॉपर पेपर तो नहीं आया था, लेकिन जो क्लोथ है, कपड़े है ना, कैनवस, वो कैनवस पे लिखना स्टार्ट हो गया था। लेकिन उसके पहले जो लिखा भी गया जो टेक्स्ट था ना, वो आपको पाम के मतलब पत्ते पे लिखते थे, जो पाम का ट्री होता है ना, पाम का लिप्स, उस पर लिखते थे। और वो पेरिशेबल होता है, वो बहुत ही जल्दी सर गल जाता है ना, तो उसको फिर से लिखा गया, रिकम्पाइल किया गया था, रिटर्न मतलब फिर से उसको अदर प्लेटफॉर्म पे, दैट इज द कैनवस, कैनवस पे लिखा गया। और उसके बाद, हाँ, इसके बाद जो है अगर हम देखते हैं मेडिवल टाइम में, फिर उसको पेपर पर लिखा गया। अभी जो हमारा, हम लोग का जो महाभारत रामायण जो आप देखते हैं, जो बुक में लिखा था पेपर पर लिखा है, तो पेपर तो पहले तो था ही नहीं, तो पेपर में कैसे लिखा गया होगा महाभारत रामायण, ऋग्वेद, यजुर्वेद वगैरह ये सब? आप तो सोचिए ना, इंडिया में पेपर जो है वो आया है 12th सेंचुरी में, उसके पहले इंडिया में पेपर था ही नहीं। ओके, लेकिन अभी जो हम लोग के पास जो भी स्क्रिप्चर्स मिलता है वो पेपर पर मिलता है। ओके, तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल टेक्स्ट तो अभी भी हमारे पास नहीं है।
ओके, तो इसको बार बार लिखा गया, एक ही बार नहीं, कितने बार लिखा गया? ओके यस सर, थैंक यू सर. ओके वेलकम.